हेलो, राम राम सारा ना। तो भाई आज हो रही है बारिश फेरे और मैंने सारे लत्ते भी इतना सुखा दिए हैं। मैं बाहर सुखाने चली तो जब भाई बारिश शुरू हो गई है तो मैंने सोची मैं कल भी इतना सुखा दूँ लत्ते ना, सारे नहाता ना स्मेल हो जाएगी। मैं मशीन में लगा सुखा रखे थे मैंने और ये भी इतना सुखा दिया। देख कितनी जोर की बारिश आ गई है, तो छोटी बारिश आ गई फिर अटका है। एक दो दिन खुल आराम फिर हो जाए स्टार्ट, फिर हो जाए स्टार्ट। देखो हमारी ज्वार को डोड़ हो गई है तो कसूता बरसन लग गया है। देखो मैं तो ठंड कर रखी राम ने, गर्मी का टाइम हो रहा है यो, पर फिर भी ठंड हो रही है ना। तो दूनी दूनी गर्मी होती जाओगी क्योंकि तो जून का महीना लग जाएगा कल तक। कल 1 तारीख हो जाएगी, आज 31 तारीख है। देखो कितना बढ़िया बुरा मौसम। तो इन लत्ते तो भी इतना सुखा रखे हैं। और एक कर दूँ मैं समीर का दूध गर्म और थोड़ी चाय बना लियो अपनी, क्योंकि क्योंकि चाय पीने का टाइम हो गया है। इधर स्कूल में था लेंगे ना तो दिन में टाइम नहीं लग गया, कई काम हो गए थे। आधे तो लत्ते का प्रेस करी थी और गेल साथ के साथ में मशीन ला रही थी, लत्ते धोन ला करी थी। और ये चाय बना लूँ, थोड़ा दूध गर्म कर कर दूँ, ठंडा हो जाएगा। इतना कटोरे में हीटर पर टेक दूंगी गेल की गेल, ठीक है ना। तो भाई प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके बता तेरा अगर भाई वीडियो किसी लग रहा है, ठीक है ना। और कमेंट बहुत बढ़िया बढ़िया आए जा है फेसबुक पे, यूट्यूब पे नहीं। ठीक है ठीक है, बाय। मम्मी काट लगी। हाँ भाई बाटा ला दिया मेरी समझ वार माज तो तड़के लेगी थी तो इब्राहिम जी बरसन लाग रहा। मैं कदे तड़के गणाना बरस गया तो मैं काट लिए एक रोटा, तड़के की काम आ जाएगा। और यार तो ना काटी ਪ੍ਰੇਨ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਹੈ ਇਬਰਾਮ ਜੀ ਵਰ ਸਗਾ ਫਿਰ ਪਰਲੇ ਪੱਟੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪ੍ਰੇਨ ਵੀ ਤਾਂ ਬੋਦੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਜਵਾਰ ਹਾਂ ਪਰਲੇ ਪੱਟੇ ਨਾ ਹਾਂ ਅਰ ਤੋ ਸਮੀਰੇ ਫਿਰ ਵਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਤਨਾ ਚਰਾਉਂਗੀ ਰੋਜ਼ ਕਾ ਇੱਕ ਰੋਟਾ ਜਾਗਾ ਮਤਲਬ ਪੀ ਬਕਾਟ ਲੇਗੀ ਤੜਕੇ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਕਾ ਉਹ ਹੈ ਤੜਕੇ ਤੀ ਗਣਾ ਬਰਸ ਜਾ ਦੇ ਨਾ ਪੱਟਾ ਹੈ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾ ਕਚਕੜ ਦੇਖੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਟਾ ਲੈ ਜਾਏ ਪੱਥਰ ਆਮ ਹੋ ਜਾਗਾ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਆ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਕੁੱਕ ਜਾਉਂ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸਾਰਾ ਵੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਭੀਗ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ ਨਾ वो मेरे भी चल रहे हैं। तू तो एक जगह खड़ा हो जा ना, जे पानी भर गया इसमें से है ना। खाद मार दिए समीर जो कल तेरे पापा ने टाइम ना लगा ना, मड़ा मड़ा खाद मार दिए मैं आज मार दिए। मैं कूदी तेरे पापा तो किन्नू बोला कल सूखे पास मार मैं ते ना लगा। अरे एक सी क्या करा समीर काम करना फिर नू ना लगा मारा करे जब आता है ना होता है खाद की मुट्ठी भरी और नू बगा दिया खेत आवत है नू थोड़ी ना मारा रे फिर जब तू तो सुना है उन्हें ज्यादा गिलजवार बिरशम बोलना करे करे जवार मला दिया बड्डा हां जवार से ले बड़ी बड़ी मौरन तला दे तू कर वो इतना छोटी तो बड़ी बड़ी थी ना उड़े तो काटी है छोटी इतना ऊपर ना हो गया ना कुछ भी तो देखूंगा थोड़ा खल्ले रहेगा तो बिहारी दूर खत्म हो मेरी तो बस ना पा तो मरवा दियो आ ना तुम मिस्त्री आओ उस दूर मरवा दे ले दो न तो सा दार काट गई ताजा दूध और चाह बना ली है दूध में पत्ती गिर ली दूध में पत्ती गिर गए और दो ना अड़े लिए वह दरी थी वो पैकेट ले आया था वो पड़ गया वो तो कर दिया वाला था ना साफ वो छोड़ा तेरे क्या कर रहे हो दो ही दिन दे दे साफ मन्ना है थोड़ी ये चीज़ यार मन्ना नहीं पूछ रहा देखा उड़ी ना पूछ रहा अपनी तो साफ कर दी सारी बाल खागी और जो टी और साफ कर दी फिर ना किया अगला ये बाला ना और खाना लगी बोल
साहब काट गा ना और बना लिया था इतना लाइट सही पता काट जी ने और आड़े बेचनी आ रहा था गाड़ में आड़े ले लिया 20 रुपया का और जी आगा साग बनाओ ना तो जो पतला पानी आला पानी चोखा गिर लियो मैं कदे कदे सूखा बनावा सूखा को ना अच्छा लगता भाई के समीर परांठे तार रहा है क्या के परांठे हैं दादी ने तार रखे बखते तार लिए और अंशिका चीन लाग रही है गिया मैं घेर मत आई इतना थोड़ी ही बनाऊंगी चाय एक चीर है अंशिका दो चीर लिए वह भी छोटा था अब सुबह रायता बना लेंगे उसका फिर है रोटी भी दरी थी समीर वो खाली थी अंशिका तने और घेर का काम मेरा हो गया था सारा तो फिर मैंने सोची लाई तू चाय बना ले बढ़िया सी समीर के पापा ने भी कही थी चाय की चाय बना दी ताजे दूध की वैसे तो दिन का दूध रह रहा है पर ना जो ताजे दूध की चाय ना वो बढ़िया ही लग गया करे तो पत्ती भी देखा था डब्बे में थोड़ी रह रही थी तो मैंने सोची तो पैकेट दरिया है एक पत्ती का मकाल इसमें गाल ले इसने डब्बे ने भर के दर दे क्योंकि सारी आना पत्ती तो तकरीबन लाग ही लाग है कि भाई कोई भी मेहमान आ जब भी चाय कोई भी इंसान कोई भी घर में मतलब आओ तो चाय का पहला काम हुआ घर में तो यह मंगवाई थी चाय मैंने अगाऊ बनवा मंगवा के दर लिया करूँ और ही तो मिस्त्री रू लागे रहूँ भाई चाय पानी का तो काम गणा को सुता रहा है सारी आना और सारे काम हो जाए समीर का पापा का आग्रह कि भाई इसने अपने चाह तो बहुत मतलब रहो पहला तो चाह का काम पूरा होना चाहिए इसका और पाछा कर लेगी सारे काम तो माँ श्री दी माँ यो काम तो बहुत ज़रूरी है मैंने क्योंकि इसके बिना मन सत्ता नहीं सुबह तड़के भी उठूँ हूँ तो चाय भी एक बार चाहिए एक कप चाह तो फिर ताजे दूध की भी बने और ये नमकीन मंगवाई थी दो तीन दिन हो गए थोड़ी थोड़ी ही ये खा लें कई बार बाढ़ के और कल चाह बनाऊँगी ना तो थोड़ी चाय के साथ हो जाओगी नमकीन बढ़िया लगेगी मका खाली पेट साँझ हो जाए ना काम करते करते भूख सी ला गया है तो चाह पीवेंगे तो मका थोड़ी नमकीन भी खा लेंगे और यो तो मैं पहला ही खा लूँ हूँ थोड़ी घनी इतना चाह बनेगी ना फिर बाद में ने खाली सा चाह पी जाएगी मेरे ख्याल में क्योंकि भूख लग रही थी बहुत करड़ी और आड़ बन के तैयार होगी है मेरी चाह और अंशिका ते कहूँ थी भाई मका भाई सब्जी सब्जी छोक दे तू रोटी मैं बना दूँगी क्योंकि कई काम हो जावा है और दूध दाद मैंने गर्म करना टेक दिया है वे ये हो जाएगा दूध गर्म उसने दर दूँगी ओज कर दोनों काम हो जाएंगे मेरे फिर गर्मा गर्म रोटी बना दूँगी इनकी देखो रात का टाइम हो रहा है अरे वे पढ़ के किताब भी निकाल कर गई बुक बैग में और देखो नक्शा नक्शा नुए दर रखे ना दरूँगी ठाक है